गुंगे चूल्हे वाले और छतरी लगा के बुन रहे। गाइज गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो की शुरुआत मैं किचन के साथ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मेरा वीडियो है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मौसा खटिया बना रहे हैं, खटिया ख़राब हो गई थी चार पाई, सॉरी। पेड़ के साथ एंजॉय करेंगे। और पहले जब छोटे थे, जब स्कूल जाया करते थे, जब चाय परेठा खा के जाया करते, काफ़ी लोग होंगे जो चाय परेठा खा के ही जाते होंगे। और चाय और परेठा का ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, सस्ता रहता है। और अमीरों के पास नहीं कह सकते हैं, पर गरीब अच्छे से चाय और परेठे के बहुत शौकीन होते हैं। जैसे हम बनाया था अजवाइन और नमक डाल के, तो अजवाइन और नमक वाला ये पराठा रोल में वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पैर में पहले की थी चोट, काफ़ी पुरानी थी, बट तो मैं उसका इलाज करा रही थी। उस दौरान मेरे पैर में दो दो पट्टियां बंधी हुई थी, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी क्योंकि चलने और उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिएगा, ये एक पट्टी ये बंधी है, दूसरी पट्टी ये बंधी, क्योंकि ये मेरी ये यहाँ पर दर्द होती है। और मेरे कल का वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना क्योंकि कल है मेरी शादी वाली रस्में चालू हो गई है। तो कल पहली रस्म है जिसको बोलते हैं लगन, तो उसके लिए सब सफाई फाई होनी है। अभी घर में बहुत सारी गंदगी मची है और कल के वीडियो में देखना, एकदम घर एकदम मस्त चकाचक हो जाएगा। और आज अभी देखना कितनी गंदगी है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी लगी क्योंकि सफाई चल रही है। और कल के वाले वीडियो में मेरा घर एकदम चमाचम हो जाएगा। कल दो फंक्शन है, एंगेजमेंट भी है, घर में दो शादी हो रही, तो दो लगन, दो हर चीज होने वाली। और हम एक चीज दिखा रहे हैं, मैंने जब से वीडियो नहीं बनाया तब से मेरे घर में एक बहुत अच्छी चीज, घर की तुलसी इतनी बड़ी फैली हो गई है। और पहले वाले वीडियो में मेरी छोटी सी तुलसी थी, अब बारिश हुई है सब हुआ, तब से मेरी इतनी बड़ी घर की तुलसी हो चुकी है। काम किया सुबह से उठ के मैंने, सारे काम कर लिए। पारुल मक्खन निकाल रही थी, पारुल ने मक्खन भी नहीं निकाला, मक्खन फाइनली मैंने निकाल लिया है। ये देखिएगा बाल्टी में जरा कैमरा लाइए, ये देखिएगा मेरा बढ़िया मक्खन निकला है ये। नहीं खाना नहीं, झूठा नहीं करना है क्योंकि आगे रात में होगी पूजा पाठ, इसलिए झूठा नहीं करना है। मम्मी बना रही थी चूल्हे पे मावा, पीछे पड़ी थी गोबर और मिट्टी जिसको आंगन में लगाएंगे। लीपा पोती चालू होगी, भुट्टा बुनते हुए वो भी हीटर पे, इसीलिए मैं स्टीम ले रही हूँ। और स्टीम लेने से अंदर वाला जितना कचड़ा पचड़ा होता निकल जाता, उसके बाद एक बढ़िया सा टोनर लगाइए तो दाने सारे निकल जाएंगे। क्योंकि मेरे एक दो दाने बने तो मैंने एडवाइस ली, तो उन्होंने कहा स्टीम लीजिएगा, स्टीम लेने से जितनी अंदर की गंदगी होगी वो बाहर निकल आएगी। और हर स्टीम लेने के बाद में टोनर अप्लाई करिए। क्वेयर स्किन का ये कुछ सारे प्रोडक्ट लिए थे, ये देखिएगा। और इसमें ये चार टोटल प्रोडक्ट मिले थे, ये वाली जो ये वाली है तो इससे दाग वगैरह जाते हैं, ये पिम्पल वाला है, ये जो इसके दो इसमें हैं मिक्स करके लगानी होती हैं कुछ इस तरीके से, ये दो। इस टाइम अपने फेस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करें क्योंकि एक महीने बाद ब्राइडल बनने वाली हूँ, तो ब्राइडल के लिए इस टाइम मैंने बहुत पैसा ख़त्म किया अपने फेस पे। फिर ये लिया था मैंने, देख रहे हैं रिजल्ट कुछ अभी खास नहीं है फिलहाल। और दाने तो देख सकते हैं कैसे बहुत ज़्यादा है दाने मेरे, ये क्योंकि स्टीम ले रही हूँ, स्टीम से जितनी अंदर की गंदगी होती है वो निकल जाती है। ये फेस वॉश है और इसको डे नाइट में लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगाते हैं। और इसको एक दिन इसको लगाना है और एक दिन इसको लगाना है, इन दोनों को जब इसको लगाएंगे उस दिन इसको नहीं, इनको छोड़ छोड़ के लगाना। जा रही हूँ स्टीम लेने, नहा के आ चुकी हूँ और मैंने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने ये देखिए पानी को मैंने अच्छा हीट कर लिया और फ्रेश रोज डाला है इसमें। रोज डालने के बाद अब हम ले रहे हैं स्टीम। तो फाइनली लंच करने जा रहे हूँ, लंच में है लौकी की सब्जी, रोटी और करेला जो मेरा फेवरेट है।
चुका है, डिनर बनाने जा रहे हैं। और डिनर में आज सब्जी में बना रहे हैं, ये देखिए बढ़िया बन रही है। ये जो नारी आती है इस टाइम सीजन पे, बरसात वाले सीजन में, जो बहुत अच्छी लगती है। नारी को कुछ और भी बोलते होंगे पर यही वही होता है, ग्रीन वाला साग बोलेंगे लैंग्वेज में। और मम्मी ने घर की बहुत अच्छे से लिपाई पुताई कर दी है, तो फैली में आपको घर दिखा रही हूँ। तो ये देखिएगा बढ़िया एकदम टीम टाम कर दिया है ये वाला पौधा, पूरा घर एकदम। आज इसकी लिपाई हुई है, मिट्टी और गोबर को एक में बिल्कुल मिक्स करके कल इसको रेड रेड कर दिया जाएगा। और बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में कितना गंदा गंदा लग रहा था, फिर भी मतलब कच्चे के हिसाब से जैसा मेरा घर है, लीपने पुतने के बाद ऐसा कुछ लगता है। और कल इस पर रेड रेड वाले गोबर से लिपाई होगी, क्योंकि गेरू और गोबर को मिक्स करके होगी। आज मिट्टी और गोबर को मिक्स करके हुई, जिससे घर में कलर ज़्यादा टाइम तक चढ़ता। तो ये मेरा डिनर तैयार हो गया। डिनर में करेला और ये दाल और नारी वाली सब्जी है, ये सुबह की लौकी है और रोटी, और आज हरी मिर्च इसके साथ खाएंगे। तो कुछ ये डिनर तैयार है, तो डिनर मम्मी की सारी मेहनत पे भगवान ने पानी फेर दिया। और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।